सोलन नगर निगम में आज एक बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर निगम मेयर पूनम ग्रोवर ने एक अनूठी पहल की है। उनके द्वारा इस बैठक में पहले उन मदों पर चर्चा की गई जो पिछली बैठक में प्रस्ताव पारित हुए थे। साथ ही उनके द्वारा संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांग लिया गया कि अभी पिछले कार्य अधूरे क्यों हैं। अधिकारियों को उन कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। उन्होंने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण बैठक कई माह से नहीं हो पाई थी, लेकिन अब विकास कार्य फिर से तेजी लाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों के लिए वार्डों को 2-2 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। नगर निगम की बैठक कई माह बीतने के बाद हुई है। इस पर मुनीश कुमार के साथ कुछ पार्षदों ने रोष भी व्यक्त किया और कहा कि हाउस ना लगने की वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम मेयर ने बैठक इतने महीनों बाद करनी है तो वे पार्षदों को विकास कार्य पर खर्च करने का बजट अधिक दे ताकि वार्डों में विकास बाधित ना हो। क्या सोलन नगर निगम का जनरल हाउस पूरे 5 महीने बाद किया जा रहा है, उसका थोड़ा सा खेद हमने अंदर मेयर मैडम के सामने प्रकट किया है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो बहुत नेसेसिटी और जरूरी वाले होते हैं, जिसके लिए आप जनरल हाउस क्वार्टरली मंथ पे रखें, ये एक हमने सुझाव मैडम मेयर को दिया है। क्योंकि आज पूरे 5 महीने बाद हो रहा है, 5 महीने 6 महीने में होगा तो जनता का नुकसान इसमें होगा। जो शहर को डेवलपमेंट के लिए, तो जैसे अभी पुष्टि हो रही है हमारा जनरल हाउस चल रहा है, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि हाउस अगर 5-5, 6-6 महीने बाद होगा, तो हम उसी विषय में मैडम मेयर से, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि डेवलपमेंट विकास के लिए हर वार्ड वाइज हमारे कम से कम 50-50 लाख की ग्रांट इशू करेंगे। क्योंकि अगर 6 महीने में टेंडर लगना, उसका प्रोसेस 6-6 महीने का है, तो हमारी यही डिमांड रहेगी कि हर वार्ड में 50-50 लाख के डेवलपमेंट के लिए हमारे को जारी किया जाए। क्योंकि अगले हमारे को उम्मीद नहीं कि हाउस कब मेयर मैडम कॉल करेंगे, पर जो हमारे फंडिंग जो डेवलपमेंट विकास रुका, पैसे की वजह से रुका है। नगर निगम की मेयर ने कहा कि आचार संहिता लगने के कारण बैठकें कई दिनों बाद हुई हैं, लेकिन विकास की रफ्तार को सोलन में कम होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहन पार्क के समीप नगर निगम के करोड़ों के भवन का दुकानों संचालकों द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई है, जिस पर नगर निगम कार्रवाई करने जा रही है, जिसके लिए कानूनी सलाह भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकानों में किसी भी तरह के फेरबदल नियमों का उल्लंघन है, इस मामले में नगर निगम कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। अभी तो हमारी पिछली बैठक की पुष्टि हुई है, क्योंकि 3-4 महीने से हमारी जो मीटिंग नहीं हुई थी, बीच में कोड ऑफ कंडक्ट था कि कारणों करके जो हमारी मीटिंग काफ़ी लेट हुई है, तो उसमें अभी तक हमारी जो पिछली बैठक हुई थी उसकी पुष्टि की गई है। तो पुष्टि में जो हमारे कई अन्य मुद्दे थे उस पर डिस्कशन हुई है, कईयों में लीगल ओपिनियन ली गई है। जैसे कि हमारे मोहन पालिका में यहाँ मोहन चंबा घाट के पास यात्री निवास बना हुआ है, उसमें जो काफ़ी जो हमारे को खस्ता हालत में वो पाया गया था, तो उसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करनी थी, और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास कंप्लीट नहीं थी, तो उसके बारे में सारी चर्चा हुई है, तो उसके लिए लीगल ओपिनियन हमने मांगी है। तो उसके ऊपर ही हमारे जो शॉप्स थी बनी हुई नगर निगम की, उसमें भी जो है बिना परमिशन से वो शॉप को नुकसान पहुँचाया गया है। वो 6 शॉप्स थी वहाँ पर उनको तोड़कर एक ही हॉल बनाया गया है, उसके लिए भी हमने उचित कार्रवाई के लिए लीगल ओपिनियन मांगी है कि हमारे को अति शीघ्र जो है इसकी कानूनी जो कार्रवाई बनती है वो बताएं कि ये जो निगम की प्रॉपर्टी को बिना परमिशन से नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन पे जो उचित एक्शन बनता है, तो उसके लिए लीगल ओपिनियन हमने मांगी है।